अब है भाई शाम का टाइम, शाम 4 बज चुके हैं और अब बना रहे हैं मैं और मनी अपनी चाय, है ना मनी? तो दूध में पत्ती पकाएंगे, चाय तो क्या है। तो ये निकाल ली है मनन ने चीनी और पत्ती। तो आज है मास्टर मनन, मास्टर शेफ कौन है आज का? मैं हूँ। मैं। अच्छा, तो भाई आज मनन डालेगा अपने अकॉर्डिंग अंदाजे से, ले मनी भाई देखते हैं। तो मनन बहुत अच्छी चाय बनाता है, भाई कमेंट करके बताना किसी ने मनन के हाथ की चाय पीनी है। तो दिखाओ कितना ले रहे हो, थोड़ा कम डालना, डाल दे पहले, थोड़ा सा बचा लियो इसमें से। डालो 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 डालो, बस। तो ये डाल दिया भाई मनी ने चीनी, और मनी अब डालेगा चाय पत्ती। दिखाओ, हाँ बहुत है, बस। और इसको रख दो बॉक्स को। और भी चलो, इतना चीनी, सॉरी चीनी बनती है, इतना चाय बनती है। तो इतना चाय बनती है भाई। कपड़े वगैरह मैंने उतार लिए, और देखो भाई कितने कपड़े और रखे हैं प्रेस के। ये मैंने मनन के अलग कर लिए, ये मेरे हैं और ये हैं हस्बैंड के। और लड्डू जी भी बैठे हुए हैं भाई उधर, और एसी चलाया हुआ भाई। और इधर मनन ने निकाल लिया है भाई नमकीन का बॉक्स, तो इसमें है नमकीन। और बड़े अच्छे होते हैं भाई ये बॉक्स, बिल्कुल सीलती नहीं है नमकीन इनमें ना। और ये चलाया हुआ एसी। बाहर मौसम ठीक है भाई, लेकिन कमरों में ना उमस बनी हुई है, तो उस वजह से क्या है गर्मी लगती है भाई। तो मनन को देखते हैं भाई, हो गई भी रेडी चाय वाले? चाय बन गई? नहीं है? नहीं मनी, चाय वाले कितनी देर में बना दोगे सर? 2 मिनट और। 2 मिनट और? कैसी चाय बनाते हो आप? और है पता नहीं, वो निकाले बिस्किट भी ले ले बेटा, ऊपर से एक लिफाफे में बिस्किट है, इसमें इसमें इधर वाले में इधर, हाँ देखिए इसी में है ना, नहीं इसमें लड्डू है ना, हाँ। वो दूसरे वाला है, दूसरा 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 एक और है। तो भाई देखो ये वाले हैं बिस्किट, इतने अच्छे होते हैं ना, तो खोल के दिखाते हैं। हमने पैकेट पूरा खत्म कर ही दिया बस, है ना मनी? दिखाइयो, निकाल पैकेट निकाल लेना। तो ये देखो भाई, ये घर के बने होते हैं, मतलब बोल देते हैं इनको आटे को, और इतने टेस्टी होते हैं इनका टेस्ट, इतना अच्छा होता है। और 22 में है भाई वो दुकान, और इतनी अच्छी बेकरी है ना, बहुत अच्छी उसकी, मतलब हर चीज ऐसी है जैसे अभी मतलब ताजा बनी होती है ना, वो चीज है, बासी चीज बिल्कुल नहीं होती। तो चलो भाई फटाफट बना ले, पता नहीं बेटा लेके आते, लेकिन ये है कि उनकी बहुत जल्दी बिक्री होती है, साथ के साथ उठ जाता है सारा सामान। तो चलो जी, ये चाय वाला ऐसा है भाई जो साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट और नमकीन भी देगा। कितने रुपए का कप है? 200। नहीं सर रहने दो, हम नहीं लेंगे। चाय वो भी नहीं, नहीं प्लीज नहीं, चाय नमकीन हो। अच्छा 50 रुपए का नमकीन का पैकेट, 50 रुपए का बिस्किट, 100 रुपए की चाय है। तूने तो वो बड़ा काम चाहिए, ताज वाली चाहिए, ताज वाली पत्ती डाली, ताज वाली पत्ती डाली, ताजमहल वाली वो नहीं होती चाय। तो चलो भाई पी लेते हैं चाय, और फिर आपको मिलेंगे, फिर इसके बाद करूंगी भाई प्रेस। और बाहर देखो बिल्कुल ब्लैक बादल हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको एक बार मौसम। चल मनी व्हाइट वाला कप उतार लियो मेरा, तो उसमें डाल दे या फिर स्टील वाले में। तो ये देखो बाहर, ये देखो भाई बारिश आएगी बिल्कुल, देखो पर थोड़ा, ये देखो ऊपर मौसम देखो। तो गली में कोई नहीं है भाई इस टाइम, बिल्कुल शांति शांति, ये देखो। और बाहर हो गया भाई ऊपर बहुत भयानक, आपको फोन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बादल इतना ज्यादा है ना इस टाइम, फोन में तो ऐसे दिखे कि ठीक ही मौसम है, लेकिन इधर हो गया भाई मौसम खराब। और कल भी टप 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 सारा दिन। बन गई जी? और ये देखो जी, ये ऐसा चाय वाला है जो नेस्कैफे के कप में और आपको चाय देगा। चलो भाई पी लेते हैं चाय, ये तो मजाक की बात थी, है ना भाई? लेकिन मेरा बेटा भाई पूरा साथ देता है अपनी मम्मा का, बहुत हेल्प करता है। चल यहाँ बेटा, चलो भाई चाय पी लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, मिलेंगे जी जब सब्जी बनाएंगे। अब देखते हैं अभी शाम को क्या बनाते हैं, हर रोज यार बनाने का बड़ा झंझट है, क्या बनाए क्या बनाए। तो चलो भाई टीवी देखते हैं थोड़ी देर,
और इस टीवी को भी ना बेचने का मन कर रहा है मेरा कि अपना स्मार्ट टीवी ले आए, तो देखते हैं कब लेके आते हैं। ये आ गई है चाय, वाह थैंक यू सर। तो ऐसा चाय वाला ही आपके साथ बैठ के पिएगा। कोई भी आ रहा है इसके पास, उसके साथ बैठ के पहले एक कप अपना लेगा और एक कप उसको देगा, है मैं नहीं? ये देखो ये री मेरी 200 रुपए की चाय है और ये री इसकी चाय, देखो भाई। तो चलो वो तो ले आ, चाय वगैरह पी के बैठे थे और फिर एक ऑर्डर डाला। ऐसे कहेंगे हर एक वीडियो में ये एक ऑर्डर जरूर डालते हैं, है ना? तो क्या हर रोज ही मंगाते हैं भाई, जिस चीज की जरूरत है वही है। मेरा तो एक भी नहीं है भाई इसमें, तो देखते हैं इसमें क्या है। बैठ ठीक है, पता नहीं क्या पापा रोज ऑर्डर करते हैं। पापा ने मंगवाया ये कल वाला, तो देखो अभी इंडेक्स है, ये तो लगाया नहीं है, लगा देंगे कोई चक्कर नहीं। अपनी चीजों का इतना ध्यान रहता है ना भाई, ये मूवी वगैरह देखते हैं ना, देख भी। देखो क्या आता मेरे भी काम आज, है ना? हाँ, ये बहुत छोटा सा यार, खोला पड़ेगा ये, तो मैं खोलता हूँ। तू तो पता नहीं सब कुछ कर लेगा, रुक जा करो तो देखो तो सही, पकड़ो एक मिनट रुक जा, पकड़ो तो आप। देखो देखो मुझे करने नहीं दे रहे, एक मिनट फिर कर लिए तो रुक जा मनी, ये मुझे करने दो। देखो भाई कैसी हमारी हमारी लड़ाई रोज जैसे भाई बहन की लड़ाई नहीं होती है, रुक जा एक मिनट देख क्या है। आपसे ना हो पाएगा, दो मैं करता हूँ, टिक जाएगा। बस करो और कितना खुलोगे? नहीं इसमें से निकलता भी यार, मैं कर अच्छा, ओ ऐसे वाह, ऐसे भी बन जाता है, देखिए कभी तोड़ दें। अच्छा ऐसे और ऐसे, देखिए रुक के कैसी हमारी वीडियो आएगी, एक मिनट। तो देखो भाई अच्छा आ रहा है ना, मतलब सारा साफ दिख रहा है सही। तो भाई एक और चीज मंगा रही स्टैंड की, फोन स्टैंड, स्टैंड तो ये इसलिए मंगाई है भाई, कुछ जैसे हम मूवी वगैरह देख रहे हैं, जैसे हस्बैंड देखते हैं, उन्हें को शौक है ज्यादा मूवीज एपिसोड्स वगैरह देखने का, तो ऐसे होता है ना हाथ में फोन लिए हाथ दर्द होने लग जाते हैं, तो अपनी चीज का इतना ध्यान रखते हैं कि हाँ किस चीज की जरूरत है। कई दिनों से कर रहे थे कि मतलब जो रेट में भी ठीक हो, क्योंकि इन चीजों पर भाई ज्यादा पैसे लगाने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसलिए ये वाला मंगाया, सिंपल सा ऐसा है कि नहीं भी ठीक आता या फिर टूट भी जाता है तो इतना दुख नहीं होता, और ज्यादा महंगों का दुख होता है, तो इसलिए हमने ये ऑर्डर किया। सोचते ही और मेरे को तो ठीक लगा, ठीक है ना मनी ऐसे, तो ये ऐसे भी हो जाता है भी ऊपर को, लेकिन हमने अब फ्रंट कैमरा करके आपको मतलब ये बताना था कि हाँ भाई ठीक है, तो मेरे को तो ठीक लगा, अच्छा लगा। आप बताना कैसा लगा यार, कमेंट नहीं करते आप, पता नहीं क्यों क्या होता है, हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है आपको, पता नहीं हम वीडियो अच्छी नहीं बनाते या हम ही अच्छे नहीं लगते आपको, है ना? तो ऐसे इसका फास्ट होता है, ये कभी भी बोल देता है दोपहर को शाम को रात को, कब बोल दे मम्मा मैंने खाना खा लिया मैं व्रत रखूं, तो इतना बड़ा हो गया भाई ये 12 इयर्स का हो जाएगा मेरा बेटा, लेकिन अभी भी इसकी हरकतें ना छोटे बच्चों वाली है। अभी भी ये पता क्या बोलता है, मैं बताती हूँ आपको इसकी बातें, अभी भी ये बोलता है जैसे बच्चे के दूध के तरह टूटते हैं ना, है ना, तो मनन बोलता है कि मम्मा परी आएगी रात को चॉकलेट रखती जाएगी पिल्लों के नीचे। नहीं बोलता पहले बोलता। अच्छा नहीं बोलता। तो भाई बोलता है ये आपको नहीं बोल। तो भाई अब निकालते हैं भाई प्याज वगैरह, तड़का कर लेते हैं यार। तो आज मैं बनाऊंगी भाई पनीर की भुर्जी, तो उसके लिए भाई ये है प्याज, डालेंगे टमाटर, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर लेती हूँ भाई, क्योंकि इन प्याजों का लगेगा भाई आई सब। तो चलो फटाफट काट लेती हूँ प्याज भी, और तो भाई अब मैंने तड़का वगैरह काट लिया है, ये देखो ये है प्याज और ये है टमाटर। तो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं भाई, आज बना लिया मैं रेगुलर वही जो घर में बनता है भाई,
खराब हो गया पनीर की भुर्जी। तो सबसे पहले मैंने डाल लिया इसमें देसी घी, और देसी घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बे जीरा। ठीक है, तो घी मेरा हो चुका है, अभी एक स्पून ले लेती हूँ एक्स्ट्रा, तो इससे मैं डालूंगी इसमें जीरा। और डालते हैं जीरा, जीरा अपने अकॉर्डिंग डालो, ज़्यादा कम डाल सकते हो, फ्लेवर ही आता है, अच्छा होता है। तो ये डाल दिया जीरा, जैसे ही जीरा होता है इसके अंदर आपने डालना है भाई प्याज। ठीक है, तो ये डाल देते हैं प्याज, हो गया मेरा जीरा भाई, देखो चटकने लग गया। बस इस टाइम पे आप डालो प्याज, तो प्याज डालेंगे तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि जब भिजी होती है ना प्याज ही अच्छी बनती है अभी पनीर की। ठीक है, तो अच्छे से इसमें से प्याज भी डाल देंगे सारे, और अब इसको कर लेते हैं बेल मिक्स। तो जब तक मेरे प्याज भूनते हैं तब तक मैं क्या करती हूँ, जो पनीर है वो फ्रिज में से निकाल ले और उसको अच्छे से मैच कर लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ, सॉरी मैच नहीं। तो चलो भाई फटाफट पनीर निकालते हैं और उसको मैं चूर लेती हूँ और फिर इसमें डालेंगे हम। तो ये देखिए भाई, ये मैंने पनीर सारा वो कर लिया अच्छे से मैश, और बस अब मेरे प्याज भी होने वाले हैं, फिर मैं इसमें करूँगी टमाटर ऐड, और हल्का सा भूनना है इनको, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और उधर भाई जोत लग रही है, मनन लगा रहा है जोत शाम की, तो बस फिर बनाएंगे भाई आटा गूंद के रोटी, और यही सब भाई रूटीन का काम। फिर थोड़ी देर बढ़ाऊंगी भाई मनन को, तो चलो होने देते हैं इसको अच्छे से, और फिर इसमें डाल देते हैं भाई टमाटर। ठीक है, तो ये हो गया भाई मेरे प्याज, और अब इसमें डाल देती हूँ टमाटर, भाई गलती से पनीर डालने लगी थी ना तो ये हो गया, और साथ में ही भाई ये डाल देंगे सारे मसाले, ये मैंने एक में कर लिए, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर सब कुछ अच्छे से, और अब इसको मिक्स करके हल्का सा हम 5-7 मिनट पकाएंगे, तो जो टमाटर है ना वो अच्छे से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा भाई। ठीक है, तो ये देखो इसको पका लो अच्छे से, और फिर इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे भाई पनीर, और बड़ी टेस्टी बनती है भाई, बना के देखना आप लोग, बहुत लोग बनाते होंगे भाई, ये तो सभी को पता है रेसिपी, लेकिन ये हो जाता है भाई सबका बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो जाता है ना, तो मैं कैसे बना रही हूँ आप कैसे बनाते हो तो ये फ़र्क हो जाता है। अब जैसे टमाटर मैंने कद्दूकस करके डालते हैं, कहीं ग्राइंड करके डालते होंगे और कहीं दूसरी तरह डालते होंगे भाई, जो मशीन सी आती है घुमाने वाली उससे। तो इसको बस 2 मिनट और पका लो, फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ भाई पनीर। तो 2 मिनट हो चुके हैं भाई, और अब इसमें डालेंगे हम ये सारा कद्दूकस, सॉरी मैश किया हुआ पनीर, इसको मैं हाथ से उतार लूँगी बाद में, अभी मैं आपको हल्का सा दिखा दूँ। तो इसको आपने हल्का सा मिक्स करना और इसको 5 मिनट के लिए पका दें, तो जो पनीर और उसमें मसाले डले जाएंगे। चलो इसको मिक्स कर लेते, फिर मैं दिखाती हूँ जब ये बनती आएंगी। तो ये बन गई अभी मेरी पनीर, और अब फटाफट भून लेते हैं भाई आटा और फिर बनाते हैं रोटी। तो चलिए, और मना ने भाई जोत लगा दिया, पता नहीं अब क्या कर रहा है, तो मैं किचन से निबट जाऊँ, फिर देखती हूँ उसको क्या कर रहा है। तो चलिए।